पहले तो ये समझना पड़ेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसा है कि अब तक कई लोग पॉजिटिविटी को डिनायल समझने लगे, क्योंकि पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव हैं, दैट इज ओके। मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी इज एक्सेप्टेंस। जो आज जो पल है, जो आज हमारा जो अभी जो इस टाइम ये जो पल है, ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, तो आज जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। जो हम बोलते थे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो उस हिसाब से अब जो मिला है वो यही है, पर यही सत्य है। अगला जो मोमेंट है, अगला जो पल है, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो जो अभी है उसको एक्सेप्ट करना होगा, और जो आगे आने वाला है उसको अपनी विश के हिसाब से क्रिएट करना होगा, और उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसको कैसे अपने इच्छाओं को पाना है उस पर काम करना होगा। और उसके बावजूद जब उन कर्मों का फल मिलेगा, उसे फिर उस खुशी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हमने किया था उसका फल हमको एक करेक्ट मिला है। तो पहली चीज तो है वो एक्सेप्टेंस। अभी आजकल जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, चीज़ें जा रही हैं, काफ़ी सैडनेस है, काफ़ी टेंशन है, एनीवेज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तो परेशानियां तो हैं ही। बट अब अगर मैं कहूँ कि हम पॉजिटिव हैं, तो हम ये परेशानियों को परेशानियों जैसा ना सोचें, या हमारी फेलियर है हम फेलियर को फेलियर जैसा ना सोचें, अगर हमारा दुख है तो दुख को दुख जैसा ना सोचें। ये जो हैं, जो इमोशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो तो हैं ही, और वो आई हैं, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसी ही हैं। अगर हम कहें कि नहीं नहीं पॉजिटिविटी का मतलब ये कि हम इसको डिनाई करें कि सिचुएशन नहीं है, सो दैट इज डिनाइल। सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल कई बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लोग पॉजिटिव लगने के लिए डिनायल में हो रहे हैं, जो सच है उससे पीछे हट जाते हैं और डिनायल में होते हैं, और वो ज़्यादा तकलीफ देता है, बिकॉज आप अंतर्द्वंद में फंस जाते हो, अपने खुद के सच में फंस जाते हो। तो जो सच है उसे एक्सेप्ट करो, और वही है उसे भी एक्सेप्ट करो, देन वी कैन बी पॉजिटिव अबाउट समथिंग गुड हैपनिंग। सो मेरे अकॉर्डिंगली बींग पॉजिटिव इज एक्सेप्टेंस इन फुल वे, एंड टेक लाइफ एज इट इज। सो आई एम पॉजिटिव, एंड पॉजिटिविटी के साथ जियो यारो।